नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर गौरी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आजकल बच्चे माता पिता की सेवा करने से बचते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक का बेटा श्रवण बनकर इस कलयुग में अपनी माँ को 25 साल पुराने स्कूटर पर पूरे भारत की तीर्थ यात्रा करवाने के लिए निकला है। सभी वीक्षकों को मारो प्यार भरो नमस्ते, बधाई जनानो मारो प्यार भरो नमस्ते। मारो नाम कृष्ण कुमार छे, मारो माता जी नो नाम श्रीमती चूड़ा रत्नम्मा, हूँ मैसूरी नक्षु। ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा है। ये पहले हम एकता कुटुंब में थे, 10 लोग का बड़ा संयुक्त परिवार है। उसी समय में मेरी माता जी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, जमीन पोंछना, इसी काम में समय बीत गई। बाराबंकी के जैतपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ के तस्कर की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस ने तस्कर की करीब 14 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। इस मौके पर सीओ सदर सुमित त्रिपाठी, थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे और सफदरगंज पुलिस बल आदि मौजूद रहा। कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार ने कार्यभार ग्रहण किया। नए पुलिस कमिश्नर रामकृष्ण स्वर्णकार 1996 बैच के IPS है। उन्होंने कहा कि शासन की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। माहौल बिगाड़ने और अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों के प्रति कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कठोर रहेगी। जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले जनपद के सभी जनपद वासियों को नमस्कार पहुंचाना चाहता हूं और सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल से श्रावण का सोमवार भी है और पूजा का पवित्र दिन भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ सेवा करने के लिए भेजा है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई जब सिविल पुलिस के कुछ जवान एक अपराधी को लेकर कानपुर से फतेहपुर जाने के लिए AC कोच में चढ़ने लगे। वही AC कोच में मौजूद रेलवे यात्रियों और मौजूद TT के मना करने पर पुलिस कर्मियों ने TT स्टाफ से अभद्रता की। घटना यह घटी रात को 24:04 गाड़ी जा रही थी, उसमें कुछ सिविल के पुलिस, 3 पुलिस वाले थे, एक उनका दरोगा था 2 स्टार, वो गाड़ी के A2 में चढ़ने लगा तो TT ने मना किया कि आपका रिजर्वेशन नहीं है, आपके पास टिकट नहीं है, आप इस गाड़ी में नहीं चल सकते क्योंकि AC के पैसेंजर मना करते हैं और उनको दिक्कत होती है। तो उसने TT को मारना शुरू कर दिया। उन लोगों ने उसमें एक दारू पिए हुए था, शराब पिए हुए था। उसके पश्चात जब उन्होंने चैन पुलिंग कर दी गाड़ी की तो हमारा स्टाफ SSC आलोक गुप्ता, अमरनाथ और संतराम वहाँ पहुंचे। कानपुर के कांशीराम कॉलोनी में ई रिक्शा चालक द्वारा इलाके में हो रही वैश्यावृत्ति का विरोध करने पर महिला ने अपने साथियों से पीड़ित को पिटवाया, साथ ही चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित ने महिला पर आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत की है। मेरे साथ ये हुआ कि असल में मेरे पति देव आए रिक्शा चला के, हम ऊपर सो रहे थे छत पर, ये हमको आवाज दी कि सोबा सो गई हो क्या, हमने कहा नहीं आ रहे, बस इतने बगल वाले बोले काय की तेज चिल्ला रहे हो, हमने कुछ चिल्ला नहीं रहे, वो हमें चिल्ला रहे, आपको नहीं चिल्ला रहे, बस इतने में पूरे ऊपर नीचे आके और बस किसी के पास डंडा तो किसी के पास चाकू कोई कुछ लेके इनको मारने लगे। हाथरस के 119 स्कूली बच्चे हाईटेंशन लाइन की चपेट में है। दरअसल प्राइमरी और पूर्व माध्यमिक विद्यालय के कई स्कूलों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है जिससे नौनिहाल डर के साए में है। विभाग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि टॉपिक हमारी जिंदगी का है, जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और वो भी खासतौर से वो खिलखिलाते बच्चे जो स्कूल में आते हैं हर समय रहते हैं। तो वहाँ पर हमारा पहला संज्ञान ये था कि हमने सभी विद्यालयों को परे मैंने आते साथ उनका चिन्हित कर करवाया कैसे विद्यालय हैं। टोटल लगभग 119 विद्यालय हैं, टोटल 119 विद्यालय हैं। तो 119 विद्यालय में हमने उन सभी की जानकारी संबंधित हाइडर को दे दी है। महोबा के ग्राम सौरा में 4 दिन पहले घर से लापता हुई युवती का शव गांव के बाहर खेत में लटकता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मृतका के परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं तो वही सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराते हुए मामले की तफ्तीश शुरू की है। हमारी बहन 15 तारीख को गायब हो गई तो हमने ढूंढा, फिर दूसरे दिन चौकी में वो दी शिकायत तो फिर ढूंढते रहे। इसके बाद हम वहाँ गए खेत पे अपने अचानक, तो हमने देखा वहाँ शव लटका था बेरी के पेड़ से, तो बेरी के पेड़ से लटका था तो मतलब वो घुटनों के बल इतनी आधे पे थी, हमें लग रहा है जैसे किसी ने मार के टांग दिया। महाराजगंज में संदिग्ध हालात में फंदे से लटकता युवक का शव मिला।
आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक कलह के कारण युवक ने खुदकुशी की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम खोनहौली का है। अलीगढ़ में आज बाबूजी यानी कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जन सैलाब उमड़ेगा। बीजेपी इसे हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी सहित कई दिग्गज लोगों का जमावड़ा होगा। हाथरस के हलवाई खाना दाऊजी मंदिर के सामने पान की दुकान पर चोरों ने चोरी की। देर रात दुकान के ताले काटकर हजारों रुपए की नकदी सहित माल पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की घटना से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। ताले टूटे देख पेड़े ढोसियों ने सुबह दुकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।